हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो CPVC पाइप बनाने वाला स्क्रू है उसके बारे में, और UPVC पाइप बनाने वाला स्क्रू है उसके बारे में। दोनों में डिफरेंस देखेंगे और दोनों को पार्ट टू पार्ट, स्टेप टू स्टेप, जोन बाय जोन जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कल हम लाइव आने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है कल के लाइव में आप पूछ सकते हैं, लाइव हम आपको आंसर देंगे उसका। और हमारे साथ इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए भी एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे, तो कल आप जरूर लाइव में आइएगा। शाम को 7 बजे हम लाइव करते हैं, शनिवार को और मंगलवार को 2 दिन हमारा लाइव चलता है। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज देखिए, ये है अपना CPVC पाइप बनता है, उसका जो बैरल होता है उसके अंदर जो स्क्रू होता है उसका ये डिजाइन, और पूरा विस्तार से जानते हैं इसके बारे में हम। सबसे पहले हम जानते हैं इसका, ये है रूट, ठीक है, ये रूट बोलते हैं इसको। फ्रेंड्स, हम दोनों स्क्रू को अभी आपको दिखा रहे हैं, ये CPVC का है, अभी हम PVC का स्क्रू का डिजाइन दिखा रहे हैं, और दिखाते हैं कितना अंतर होता है। और ये पूरे चैनल जो है इस स्क्रू का जो ये चैनल है, इस चैनल को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस चैनल को क्या बोलते हैं। ये पूरा जो रूट के ऊपर जो लगा है पूरा चैनल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा विस्तार से जानेंगे, एकदम अच्छे से सबको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो चैनल जो बना है, इस चैनल में इसका क्या नाम है, किस गैपिंग को क्या बोलते हैं, किस ऊंचाई को क्या बोलते हैं, बीच के गैपिंग को क्या बोलते हैं, सब कुछ अच्छे से जानेंगे। देखिए, पहले देखिए यहाँ से और यहाँ, ये जो बीच की जो गैपिंग होता है ना, ये चैनल विथ बोलते हैं इसको, चैनल विथ, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फ्लाइट डेप्थ, फ्लाइट जो फ्लाइट है इसका चौड़ाई, फ्लाइट डेप्थ बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको, सभी चीज़ को स्टेप टू स्टेप देखते रहिए। अभी हम इसके और उसमें अंतर भी हम दिखाएंगे, क्या अंतर रहता है, ठीक है। और ये जो देखिए, ये जो ऊंचाई है, ये जो रूट से और ऊपर फ्लाइट तक जितना फ्लाइट है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ, ठीक है, इसको चैनल डेप्थ बोलते हैं, जो ये है इसको चैनल डेप्थ बोलते हैं हम, ठीक है। जो ऊंचाई, जितना ऊंचाई रूट से जितना ऊंचाई इसका चैनल बना हुआ है उसको हम चैनल डेप्थ बोलते हैं, वो चैनल डेप्थ होता है उसका, मतलब रूट से कितना ऊंचा है, ठीक है, वही डेप्थ होता है, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ तक देखिए, ठीक है, एक चैनल को लेके और एक चैनल के स्टार्टिंग में, यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं पूरे को पिच बोलते हैं, इसको पूरे को पिच बोलते हैं, यहाँ से और वहाँ तक, ठीक है। और ये बीच में देखिए, ये बीच वाला जो है ना, बीच में जो गैपिंग होता है ना, उसको फ्लाइट क्लियरेंस बोलते हैं, और यही अंतर रहता है, फ्लाइट क्लियरेंस इसको हम बोलते हैं, और यही हाई फिलर और लो फिलर में कम ज़्यादा होता है, ठीक है, यही चीज़। और इसको जो ए एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल, जो चैनल जिस एंगल से हमारा डाउन होता है उसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं। अब इसके जोन्स के बारे में जानते हैं, क्या क्या जोन्स है, इसमें 6 जोन्स है। मैं वैसे नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं 3 जोन होते हैं स्क्रू में, लेकिन इस स्क्रू में 6 जोन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता ही है फिट जोन, फिट जोन में मटेरियल फिट होता है, कंप्रेसर में मटेरियल कंप्रेस होता है, लेकिन कंप्रेस में क्लियरेंस आता है, इसमें ब्लॉकिंग आ गया है, ये सब आ गया है, क्योंकि एयर इसमें आता है उसको हमें आउट करना रहता है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा फिट जोन है, ठीक है, इसको बाहर कर लेते हैं। ये दोनों स्क्रू ट्विन स्क्रू का है ये, ठीक है। तो ये स्क्रू यहाँ से और यहाँ तक ये होता है हमारा पूरा फिट जोन, ठीक है। ये ट्विन स्क्रू CPVC मशीन का है, ठीक है, CPVC मशीन का ट्विन स्क्रू का स्क्रू है, उसी के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो देखिए, ये इसको हम बोलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है, इसको प्लास्टिक साइजिंग, यहीं पे प्लास्टिक साइज होता है, ठीक है, इसी को प्लास्टिक साइजिंग जोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग जोन, ये ब्लॉकिंग है, ठीक है, ये ब्लॉकिंग के बाद से हमारा, ठीक है, ये ब्लॉकिंग जोन हो गया। अब इसके जस्ट बाद में देखिए, ये जो है इसके जस्ट बाद में, इसको ब्लॉकिंग जोन बोलते हैं, लेकिन इसके जो फिर से हाँ, इस जोन को जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैरियर जोन, ठीक है। अब इससे आगे
ठीक है। एक और जोन है उसको हम बोलेंगे वेंटिंग जोन, अभी हम दिखाते हैं उसको। देखिए इसको पहले काफ़ी अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये जो है अपना वेब बैरियर जोन है, इससे पहले ब्लॉकिंग है, उसके पहले प्लास्टिसाइजिंग जोन है, ठीक है। और यही अंतर उसमें हो जाता है पीवीसी में, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये वेंटिंग जोन, वेंटिंग जोन जो इसमें है यही सेम चीज़ आपको पीवीसी स्क्रू में मिलेगा, वेंटिंग जोन, ठीक है। इससे आगे सेम चीज़ मिलेगा आपको पीवीसी स्क्रू में, ठीक है। ये वेंटिंग जोन हो गया यहाँ से और यहाँ तक, और इसके बाद जो है इसमें हमारा देखिए ये वेंटिंग जोन जो लगता है ना यहाँ पे लगता है, वेंटिंग जोन यहाँ से आगे वेंटिंग जोन होता है ताकि वो वहाँ से एयर आगे ना जाने दे और वैक्यूम के द्वारा इधर से बाहर निकल जाए। ये वेंटिंग जोन के जस्ट आगे रहता है, ठीक है। हाँ यही के हाँ, और ये जो है ये एक्सट्रूजन जोन बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं पंपिंग जोन, यानी मतलब मटेरियल को पंप करता है, बाहर को भेजता है, ठीक है, प्रेस करता है डाई हेड में, ठीक है। ये है पूरा अपना सीपीवीसी पाइप का स्क्रू, सीपीवीसी मशीन का स्क्रू है, इसी से हम सीपीवीसी पाइप बनाते हैं। ये देखिए अब ये है अपना पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप बनाने वाली का मशीन है ये। अब इसमें देखिए ये इसमें पूरा ये फिट जोन हो गया, और यहाँ यह ब्लॉकिंग जोन हो गया। ब्लॉकिंग जोन के बाद से प्लास्टिसाइजिंग जोन है, उसके बाद से तुरंत बैरियर जोन आ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद से वेंटिंग जोन, और उसके बाद से हमारा पंपिंग जोन आ जा रहा है। इस टाइप से ये स्क्रू है, ये देखिए ये पूरा ए पीवीसी पाइप का स्क्रू है, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, हाँ। इसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं वीडियो के लास्ट में इसका फ़ोटो मैं आपको दे रहा हूँ, कि इसका पूरा दोनों में अंतर का फ़ोटो मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश किया मैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो, अगर जो भी चीज़ ना समझ में आया हो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ भाई एक लाइक तो बनती है, एक लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।